वहीं कोटपुतली के गांव सरून में मुकेश गोयल का जनता के द्वारा फलों से तोलकर भव्य स्वागत किया गया। मुकेश गोयल ने अपने समर्थकों के साथ सैकड़ों गांव का दौरा किया। इस दौरान गोयल को 36 कोमों का भरपूर समर्थन मिलता दिख रहा है। सरून की महिलाओं ने नवतीज टीवी से बातचीत करते हुए गोयल को समर्थन देने का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने गोयल को पगड़ी पहनाकर भी सम्मानित किया। देखिए नवतीज टीवी के संवाददाता गुरमीत राणा की खास रिपोर्ट। कोटपुतली के सरुंड गांव में मौजूद हैं और निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश गोयल का भव्य स्वागत किया जा रहा है। यहां का बच्चा बच्चा उनका फैन है, बुजुर्ग और महिलाएं भी काफ़ी तादाद में पहुंची हुई हैं। तो सीधे तौर पर कुछ महिलाओं के साथ में बातचीत करेंगे, क्या कहना है मुकेश गोयल के विषय में। जी, क्या कहना है आपको मुकेश गोयल के विषय में? मुकेश गोयल ही जीतेंगे। उन्होंने जो काम और सब महिलाओं का जो आगे आने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है, वो सिर्फ हमें मुकेश जी भाई साहब ने किया है। पूरा सरुंड गांव की तरफ से भाई साहब को पूरा सपोर्ट है और आसपास के गांव में सभी में फिलहाल मुकेश जी भाई साहब का ही है। मुकेश गोयल, मुकेश गोयल हमारा नेता कैसा हो? मत भाई मुकेश गोयल दूंगी यार, मत नहीं दूंगी वोट। मुकेश गोयल नहीं वोट देंगे हम तुम्हारे। जीत गा। हाँ जीता दिया, जीत। हाँ पूरा पूरा। चलिए सरुण गांव में मौजूद है इस वक्त, महिलाओं के साथ में बातचीत चल रही थी हमारी, तो जिन्होंने कहा कि मुकेश गोयल को भारी मतों से जीत हासिल करवाएंगे। जी क्या कहना चाहिए? एमएलए हो तो मुकेश गोयल जैसा, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। चलिए आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सरुण गांव में मौजूद है और भव्य स्वागत किया जा रहा है मुकेश गोयल का यहां पर। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है, लेकिन फिर भी 36 बिरादरी का उनको पूरा जो सहयोग मिल रहा है लगातार और कांटे की टक्कर दे रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है, लेकिन इस वक्त जो अगर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की बात करें तो लगातार मुकेश गोयल बढ़त बनाए हुए हैं जनता के बीच में। 15 से 20 साल उन्होंने समाज सेवा का कार्य किया। अगर यूं कहें कि कोरोना काल के अंदर प्रत्येक गांव और प्रत्येक ढाणी में गए वो, चाहे वो राशन की बात है, चाहे वो कोरोना किट की बात है। तो फिलहाल जनता उन्हें कितना पसंद करती है ये तो परिणाम के पश्चात में पता चलेगा, लेकिन लगातार चुनावी दौरे मुकेश गोयल के चल रहे और मुकेश गोयल के समर्थकों से भी बातचीत करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? मुकेश गोयल सर्व जाति के नेता हैं, निष्पक्ष नेता हैं, जनता की सेवा में आधी रात में तैयार रहते हैं और एक ईमानदार व्यक्ति हैं। हम इन सब को मिलकर के मुकेश गोयल जी को विजयी बनाएंगे और मुकेश गोयल जी के साथ रहेंगे। जी भाई साहब क्या कहना है, जिस तरह त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के से भी जो है मजबूत कैंडिडेट्स है और बीजेपी से भी, लेकिन क्या मुकेश गोयल जनता का समर्थन जो मिलेगा उनको? क्या है, जनता का जो समर्थन है वो मुकेश गोयल जी को है, जो सेवाभावी आदमी है, वो जो दिन रात लोगों के बीच में रहता है, सुख दुख में लोगों की सेवाभावी करता है और निर्दलीय के रूप में एक इतिहास रचेगा कोटपुतली से। मुकेश गोयल जीतेंगे और 100% सब लोगों की, 36 कौम की जनता मुकेश जी गोयल के साथ है। जी पूरे राजस्थान में इतिहास बनेगा कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र का कि मुकेश गोयल इतने भारी मोहन से जीत करने दर्ज करने जा रहे हैं। पार्टी ने उनका टिकट काट लिया बीजेपी ने, लेकिन ये टिकट जो है ना ये जनता दे रही है उनको, इसलिए हम सब मुकेश गोयल के साथ है पूरी विधानसभा क्षेत्र में। मैं सैनी समाज का हूं, हमारे समाज का 80% वोट आज मुकेश गोयल के साथ है। चलिए फिलहाल सीधी तस्वीरों के माध्यम से नवतेज टीवी के माध्यम से देख रहे थे और यहां पर मुकेश गोयल के समर्थन में जन सैलाब उभर कर आया है। जी क्या नाम है आपका? सर मैं मुकेश यादव एडवोकेट हूँ और मैं गोयल जी के साथ में इनकी मुहिम में पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। गाँव गाँव बड़ा मत और समर्थन इनको मिल रहा है, मात्र शक्ति का आशीर्वाद मिल रहा है, समस्त 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है और ये आने वाले समय में जिस तरीके से ये उत्साह दिख रहा है कोटपुतली की जनता में, सर्व समाज में, तो निस्संदेह ये हमारे भावी विधायक है। और मैं तो यही आपके समाचार माध्यम के समाचार चैनल के माध्यम से कहूँगा कि मुकेश गोयल जी ब्रांड बन गए हैं कि और आने वाली 25 तारीख को इनका बैट बल्ले पे सिक्सर 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 लगेंगे। चलिए सरुंड गांव में फूल मालाओं से भव्य स्वागत हुआ, फलों के साथ में उनको तोला गया और सबसे बड़ी बात है मुकेश गोयल ने अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर रख दी, लेकिन स्थानीय लोगों ने, उनके समर्थकों ने वही पगड़ी उनको पहना दी, यानी कि जीत का दावा किया मुकेश गोयल ने सीधे तौर पर। और उनके समर्थकों का भी दावा है कि 100 में से 110% मुकेश गोयल की जीत होगी। तो फिलहाल देख रहे हैं गुरमेज राणा के साथ में कैमरा पर्सन गगन प्रेम।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।